नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, गांधी परिवार से जुड़े तमाम किस्से आपने सुने होंगे और न जाने कितने किस्से तो हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको सुनाए हैं। लेकिन जब भी गांधी परिवार के बेटों की बात आती है तो सभी के जहन में राजीव गांधी का नाम सामने आता है। हालांकि एक और बेटा था इंदिरा गांधी का, मैं बात कर रही हूँ संजय गांधी की, आप सभी को पता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं वो संजय गांधी ही थे जिनका सपना था कि भारत के हर एक गरीब व्यक्ति के पास अपनी खुद की गाड़ी होनी चाहिए, जिस सोच ने आविष्कार करवाया और हम सबको रूबरू करवाया मारुति गाड़ी से। जो मारुति गाड़ी इतना बड़ा मुद्दा था कि संजय गांधी को राजनीति में अपना परचम लहराने के लिए काफी था। लेकिन फिर भी इसके चलते संजय गांधी राजनीतिक करियर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। आखिरकार क्या था इसके पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण था रुखसाना सुल्ताना नाम की एक बला की खूबसूरत महिला। आखिरकार कौन थी रुखसाना सुल्ताना और क्या रिश्ता था उनका संजय गांधी से? और आखिरकार रुखसाना सुल्ताना ने ऐसा क्या किया था जिसके चलते संजय गांधी का राजनीतिक करियर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया था? यदि नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में इन सभी बातों को डिकोड करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, 1977 का समय, जब कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, इमरजेंसी लगी। आपातकाल एक ऐसा समय था जो इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के राजनीतिक करियर का काला समय माना जाता है। हालांकि एक ऐसा समय था जिस समय में संजय गांधी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी। संजय गांधी का मानना था कि भारत को डेवलप्ड होना है, वह भारत को विकास करते हुए देखना चाहते थे, भारत में वृक्षारोपण करना चाहते थे और भारत की पॉपुलेशन को कम करना चाहते थे। और यही कारण है कि इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी के द्वारा 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लाए गए, जिनके अंदर 5 पॉइंट्स संजय गांधी के बनाए हुए थे, जिनमें डाउरी से जुड़ा मामला था, वृक्षारोपण था, ग्रीनरी थी, पॉपुलेशन कंट्रोल था, जिसे लेकर इमरजेंसी के समय पर बुरी तरीके से नसबंदी के बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए गए, कैंपेन चलाए गए, जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कराई गई। और हालांकि उस समय मुस्लिम कम्युनिटी को यह समझाना मुश्किल था, फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाना मुश्किल था, जो आज भी बहुत मुश्किल है। मुस्लिम कम्युनिटी का मानना है जब भी पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होती है तो ये बात केवल उन्हीं की कम्युनिटी के लिए की जाती है, उनकी जनसंख्या को कम करने के लिए की जाती है। ये उस समय बहुत बड़ा चैलेंज था। हालांकि इसके अलावा तमाम तरीके के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, विजिल विलेज हेड्स, काउंसलर, MP, MLA सभी की नसबंदी की बात की गई और सभी के लिए अनिवार्य हो गया 3 बच्चों के बाद नसबंदी कराना। बड़े बड़े कोटे निकाले गए, बड़े बड़े कैंपेन चलाए गए और अपने कोटे को पूरा करने के लिए, काउंटिंग्स को पूरा करने के लिए लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही क्यों ना हो। इसी के साथ साथ 18-18 साल के लड़कों की भी नसबंदी कराई गई, जिनके बच्चे भी नहीं हुए थे और जिनकी शादी भी नहीं हुई थी। हालांकि उस समय मुस्लिम कम्युनिटी को समझाना थोड़ा मुश्किल था और ये बात संजय गांधी को पता चल चुकी थी कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली है। जिसके बाद रुखसाना सुल्ताना आई और रुखसाना सुल्ताना ने संजय गांधी से कुछ कर गुजरने की बात कही, वह कुछ करना चाहती थी। जिसके बाद ये पूरा नसबंदी का जो कार्यक्रम था, पूरा ये जो बड़ा कैंपेन चलाया था, इसकी जिम्मेदारी सौंप दी संजय गांधी ने रुखसाना सुल्ताना को। अब यहां पर आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा संजय गांधी के बारे में जान लेते हैं, फिर रुखसाना सुल्ताना के बारे में आपको बताएंगे कि आखिरकार संजय गांधी की लाइफ में इनकी एंट्री कैसे हुई और आखिरकार ये हैं कौन। तो दोस्तों, संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे, राजीव गांधी के छोटे भाई थे। इसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा मॉडर्न सोच थी, मॉडर्न आइडियाज थे और कुछ कर गुजरने की क्षमता इनके अंदर थी। 29 साल की उम्र में इन्होंने ठान लिया था कि भारत को डेवलप्ड बनाना है, जिसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करें रुखसाना सुल्ताना की, तो आप सभी जानते हैं आज की बड़ी जानी मानी कलाकार हैं सारा अली खान। रुखसाना सुल्ताना सारा अली खान की नानी और अमृता सिंह जो कि बेटी थी रुखसाना सुल्ताना की, ये इनका रिश्ता था। यानी कि साफ साफ कहा जाए तो सैफ अली खान की सास रुखसाना सुल्ताना थी।
तो रुखसाना सुल्ताना की बहन की यदि बात करें तो ये बहुत पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस थी और रुखसाना सुल्ताना उस समय दिल्ली के किनॉट प्लेस में अपना एक बुटीक चलाती थी, जहां संजय गांधी से उनकी मुलाकात हुई और पहली बार में ही संजय गांधी को प्रभावित करने में रुखसाना सुल्ताना कामयाब रही। दूसरी मुलाकात के दौरान रुखसाना सुल्ताना ने एक प्रपोजल रख दिया संजय गांधी के सामने कि वह कुछ करना चाहती हैं और संजय गांधी उन्हें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स दें और अपनी पार्टी में शामिल करें कि वह कुछ कर पाए। तब बिना सोचे समझे संजय गांधी ने नसबंदी का पूरा जो कैंपेन था वो रुखसाना सुल्ताना के हाथ में दे दिया। बला की खूबसूरत रुखसाना सुल्ताना से प्रत्येक व्यक्ति कांपने लगा, थर थर मुसलमानों की रूह कांपती थी, इतनी ज्यादती इस औरत ने करी कि प्रत्येक व्यक्ति खासकर मुस्लिम कम्युनिटी का इस रुखसाना सुल्ताना से डरने लगा, इनकी रूह कांपने लगी। रुखसाना सुल्ताना ना तो कोई सोशल वर्कर थी, ना ही राजनीतिक बैकग्राउंड था इनका, और ना ही ये कोई डॉक्टर थी। तब भी बिना सोचे समझे संजय गांधी ने सारी बागडोर रुखसाना सुल्ताना के हाथ में दे दी और तब शुरू होता है एक बहुत बड़ा तांडव जो पूरे देश में मचा। रुखसाना सुल्ताना ने नसबंदी के इतने बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए और लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करवाई। रुखसाना सुल्ताना ने लोगों के आगे उनकी जान के बदले शर्तें रखी नसबंदी की और लोगों को इस तरीके से मजबूर किया कि लोगों को नसबंदी करानी पड़ी। इसी के साथ साथ सुल्तानपुर और गोरखपुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में नसबंदी को लेकर बड़े बड़े दंगे होने लगे, लोग इसका विरोध करने लगे। वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद और चांदनी चौक में 6 बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए गए, कैंप चलाए गए और 6 टीम बनाई गई, जहां पर लोगों को नसबंदी के लिए प्रोत्साहित किया गया। रुखसाना सुल्ताना कहा जाता है कि उस समय जामा मस्जिद के अंदर घूमती थी मॉडर्न बन के, और ये कहा जाता है कि लगभग 80,000 लोगों की नसबंदी उस समय कराई गई थी। इसी के साथ साथ रुखसाना सुल्ताना ने सुल्तानपुर के 2 इमामों को भी मजबूर कर दिया कि वह नसबंदी करवाए, और इसके बदले में संजय गांधी ने उन 2 इमामों को सर्टिफिकेट्स दिए थे और इसी के साथ साथ 101 रुपए का इनाम भी दिया था। इसी के साथ साथ हमारे देश के महिला बच्चा जनकल्याण जो एक बड़ा संगठन है, उसकी तरफ से रुखसाना सुल्तानों को 84,000 रुपए भी दिए गए कि वह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उस समय के 84,000 की मतलब है आज के 84 लाख रुपए। इतने बड़े लेवल पर यह प्रोग्राम चलाया गया, लेकिन देश की जनता बुरी तरीके से परेशान थी क्योंकि यहां पर लोगों का जबरन नसबंदी कराई जा रही थी, जबरन उनके साथ गलत कार्य किए जा रहे थे। अब यहां पर चाहे कोई व्यक्ति 80 साल का बुजुर्ग हो या कोई 15-16 साल का बच्चा हो, सभी की नसबंदी करवाई जा रही थी केवल और केवल अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। इसी बीच कई सारी शिकायतें भी की गई और इंदिरा गांधी तक कई सारी शिकायतें भी पहुंची कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। लेकिन संजय गांधी ने इन सभी व्यक्तियों को खारिज कर दिया और रुखसाना सुल्ताना के साथ मिलकर ये सारे कार्य वे करते रहे। इसी के साथ साथ जो ओपोनेंट्स थे संजय गांधी के, जो उनके विरोधी थे, वह सब संजय गांधी से बेहद जलने लगे क्योंकि इतने बड़े लेवल पर देश में वो एक कैंपेन चला रहे थे, हालांकि इसका बुरी तरीके से विरोध हो रहा था। संजय गांधी यही नहीं रुके, ये मामला दिल्ली तक पहुंचा और उन्होंने अवैध निर्माण से बनी झुग्गियों को हटाने का फैसला लिया। वहीं दिल्ली की बड़ी पुरानी पुरानी इमारतों को भी गिराने के फैसले लिए गए, जिसके बाद वहां पर गोलियां चली, पुलिस ने डंडे भी चलाए और जहां पर 20 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद दिल्ली की एक पुरानी इमारत को गिराने के लिए ऑर्डर भी दे दिए गए, जिससे निजात पाने के लिए लोग रुखसाना सुल्ताना के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट करी कि कृपया कर इन सभी चीजों को आप रोक लीजिए। रुखसाना सुल्ताना ने रोकने का तो उन्हें आश्वासन दे दिया, लेकिन उनके सामने एक शर्त रखी कि वह तुम्हारी बात तभी संजय गांधी तक पहुंचाएंगी जब तुम अपनी नसबंदी करवाओ। जिसके बाद इन चीजों का विरोध किया गया, लोगों ने अपनी आवाज उठाई और तब जाकर संजय गांधी को पता लगा कि यहां पर सच में ज्यादती हो रही है। हालांकि संजय गांधी के जितने करीबी थे उनका आज भी यही कहना है कि संजय गांधी पर्सनल लेवल पर इतनी ज्यादतियां कभी नहीं करते, रुखसाना सुल्ताना ने उनकी आड़ में इस तरीके की ज्यादतियां करी और अपने आप को सेट करने के लिए राजनीति में उन्होंने इस तरीके की चीजें करी, लोगों के अंदर एक खौफ फैलाया। उसके बाद संजय गांधी को पता लग गया और रुखसाना सुल्ताना को उन्होंने कांग्रेस पार्टी से निकाल बाहर फेंका।
जिसके बाद संजय गांधी को पता चल चुका था कि उन्होंने किस तरीके की चीजें करी और उनके राजनीतिक करियर पर क्वेश्चन मार्क लग गया। ये पूरा नसबंदी का कैंपेन चला। तो एक महिला, खूबसूरत महिला रुखसाना सुल्ताना ने संजय गांधी के करियर की कह सकते हैं वाट लगा दी और इतनी ज्यादती करी कि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति, खासतौर से मुसलमान, उनके नाम से घबराने लगा। आगे चलकर रुखसाना ने शादी कर ली, जिनकी बेटी हुई अमृता सिंह और जिनकी बेटी है सारा अली खान, जिनको आज हम सभी जानते हैं सैफ अली खान की बेटी है। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पसंद आई हो तो हमें कमेंट कीजिएगा ताकि आगे भी हम इस तरीके की कहानियां आपके लिए लाते रहें। नमस्कार।